व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप सभी लोग। मैं हूँ हर्ष, तो दिख रहा हूँ हर्ष गेमिंग। तो जानता हूँ ये वीडियो लेट हो चुकी है। एक्चुअली काफ़ी दिनों पहले मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे एक क्वेश्चन पूछा था आप सभी से कि आपको फ्री फायर बैन पे इन्फॉर्मेशन चाहिए या नहीं चाहिए। एक्चुअली काफ़ी ट्रेंड में है ये भी बात कि फ्री फायर बैन होगा नहीं होगा, क्योंकि जब से ये इन्फॉर्मेशन आई है कि जो पबजी है और क्लैश और भी मतलब 47 ऐप्स और बैन होने वाले हैं, और 257 ऐप्स और गेम साथ में मिलाकर उस टाइम में बैन होने वाले चाइना के हैं। अब सुनने में भाई ये आ रहा था कि भाई कुछ बैटल रॉयल गेम्स भी होंगे जिसमें पबजी, कॉल ऑफ ड्यूटी और भी बहुत गेम्स होंगे जो कि बैन होंगे, जो कि काफ़ी बड़ी न्यूज़ है। और देखो, मैंने पबजी ऊपर पहले से वीडियो बना रखी है, अगर नहीं देखी तो ऊपर आई कार्ड ऊपर आप मैंने मतलब आई कार्ड में दिख रहा होगा यार, ऊपर जाके देख सकते हो, पूरी इन्फॉर्मेशन है, आप होगा नहीं होगा सब कुछ दिखा रखा है, जाके देख सकते हो, आपको समझ आ जाएगा। तो भाई आपको मैं बता दूँ, पहली बात तो देखो मैं ज़्यादा लंबी वीडियो खींचूँगा नहीं, जल्दी जल्दी बनाऊँगा। और अगर आपको मेरी यार स्पाइडर की सीरीज़ पसंद आ रही है तो भाई सब्सक्राइब करो मेरे नए चैनल को, नीचे से डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, उस चैनल पर बहुत नई वीडियो आ रही है, बढ़िया से बढ़िया सब्सक्राइब कर लो चैनल को मेरा ही है। तो देखो मैं और नहीं खींचूँगा वीडियो को, तो बात कर लेते हैं। देखो साफ सीधी बात है, पहली बात तो देखो इस कंपनी का जो मतलब जो ओनरशिप है फ्री फायर की वो है CLTT, मतलब जो कंपनी है वो सिंगापुर की है, ना कि चाइना की। तो चाइनीज़ ऐप तो ये कहीं से हुआ नहीं सकता, मतलब चाइनीज़ गेम नहीं है ये, एक सिंगापुर कंपनी यहाँ, मतलब सिंगापुर तो अलग, चाइनीज़ कैसे हो सकता है यार, आप सोच सकते हो। तो रियलिटी बताऊँ तो यार कहीं से कहीं तक भी फ्री फायर का नाम अब नहीं आ रहा है, मेरे ख्याल से पहले आ रहा था, पर पता नहीं कहाँ से वो शायद लीक थी या शायद गलत इन्फॉर्मेशन थी या रूमर्स थे, जो कि शायद लोगों को थोड़ा डरा देते थे, मतलब फ्री फायर जो प्लेयर्स थे वो डरे हुए थे इस चक्कर में। पर अभी उनको टेंशन की जरूरत नहीं है, मतलब कोई फ्री फायर टेंशन की जरूरत नहीं है, फ्री फायर सेफ है बिल्कुल। अगर आगे चल कुछ ऐसा होता है या फ्री फायर कुछ निकल कर आता है तो समझ आ जाएगा, पर अभी फिलहाल मैंने इतना देखा है फ्री फायर कहीं से कहीं तक भी चाइना का नहीं है, फ्री फायर पूरा सिंगापुर की तरफ से है, मतलब जो कंपनी सिंगापुर की है जो फ्री फायर को मतलब चलाती है, और उस वजह से आप आराम से फ्री फायर खेल सकते हैं और खेल पा रहे हैं, और इसी वजह से खेल आगे तक खेलते रहेंगे। तो ये आपको टेंशन अभी ख़त्म कर देता हूँ मैं। और रही बात पबजी और कॉल ऑफ ड्यूटी की, देखो वो चाइना के हैं, चाइना टेंसेंट कंपनी आती है, तो इस वजह से थोड़ी सी उनकी परेशानी आ रही है और काफ़ी ज़्यादा चांसेस है उसको बैन होने की। और डेली सही बताऊँ तो अंदर से मैं कहना चाहता हूँ वो हो जाए तो अच्छी बात है। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि जानता हूँ, काफ़ी लोगों को पिछली बार कमेंट सेक्शन में देखा था, काफ़ी लोगों ने कमेंट करा था कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब कुछ लोगों ने ज़्यादा लोगों ने यही कहा था कि होना चाहिए, पर कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि नहीं होना चाहिए। पर देखो हो जाए तो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि जो गेमर हमारे हैं कुछ एंड्रॉयड गेमर, उनको परेशानी बहुत हो रही है, जैसे मुझे भी बहुत हो रही है ये खाली सिर्फ एक गेम की वजह से। तो बाकी कोई हेट नहीं इस गेम से, गेम अच्छा है, पर देखते हैं अगर हमारे देखो कंट्री को लॉस हो रहा है हमारे पेशान का, तो भाई कंट्री से बढ़ गया तो नहीं है गेम, तो देखते हैं। तो बस ये वीडियो नहीं खत्म कर रहा हूँ, वीडियो पसंद आती वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, और इसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करो, और शेयर भी कर देना कुछ फ्री फायर प्लेयर्स को अपने, पबजी प्लेयर्स को भी, और अगर पबजी वाली वीडियो नहीं देख लेते ना अगर आपको समझ आ जाए तो। बाय, टेक केयर, गेमिंग करते रहो।